फातिर गजनवी की गजल है, गो जरा सी बात पे बरसों के यार आने गए। बहुत लाजवाब गजल है और फरीदा खान ने जिस तरह गाया उसको और भी लाजवाब कर दिया। उसका एक शेर है कि मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। तो ये शोहरत क्या है और इसकी नौइयत क्या है? कहा यह जाता है कि शोहरत जो है एक देवी, वो आपको राज सिंहासन पे बिठा देती है और फिर वही देवी जो है डायन का रूख इख्तियार करके आपको नीचे पटक देती है। और शोहरत एक ऐसा सफ़ेद कंवल है जो जौहर में खिलता है और जब वो खिलता है तो उसकी महक चार दांग आलम में फैल जाती है, पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाती। लेकिन वही कंवल जब मुरझाता है तो उसमें से एक बिसांद उठने लगती है। तो आखिर ये शोहरत क्या बला है? अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप सबको कारवान सराय में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब मुसाफिरों को, वो कहते हैं ना कि चंदा रे चंदा कभी तो ज़मीन पे आओ, बैठेंगे बातें करेंगे। तो इसी तरह आप भी आइए, बैठेंगे बातें करेंगे और शोहरत की बातें करेंगे। शोहरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कीकर की तेज़ शराब है जो यकदम दिमाग को चढ़ जाती है, साथ में आसमान पे आदमी पहुंच जाता है और वो समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और फिर जिस तेज़ी से वो नशा बढ़ता है उसी तेज़ी से नीचे आता है और उस आदमी को बेकार करके रख देता है। शोहरत एक अथरी घोड़ी है, अथरी मतलब मुँह जोर है, काबू में ना आने वाली। उसके ऊपर जब सवारी करते हैं तो सवार जो है ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता, उस घोड़ी ने आपको पटक देना है बिलाखर। अमेरिका में आप जानते हैं कि भाई जो वाइल्ड वेस्ट है वहाँ पे काउबॉय का एक खेल होता है जिसमें एक काउबॉय जो है वो एक बैल पे सवार होता है और कोशिश करता है कि उस पर सवार रहे। अच्छा, काउबॉयज़ की बात करने से पेशतर हमारे एक दोस्त हैं सरफराज गुजर, वो कभी कभार आ जाते हैं पार्क में और उन्होंने हैट पहना होता है काउबॉयज वाला, कहते हैं कि आई एम ए पाकिस्तानी काउबॉय। और वो कहते भी ठीक है, काउबॉय का मतलब है ना गायों भैंसों वाला बंदा, तो इस लिहाज से हम खासे खुद कबील हैं। तो ये जो खेल होता है उसको रोडियो कहते हैं। बंद कमरा है और वहाँ पर एक बैल है, सिधाया हुआ नहीं है, वाइल्ड और वैशी है, और उसके ऊपर दो तीन लोग एक काउबॉय के बिठा देते हैं और भागे भी नहीं है ज़ाहिर। और उसके बाद उस बंद कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दाखिल होता है अरीना में और वो पछाड़े मारता है, दुलतियाँ मारता है और कोशिश करता है कि हर सूरत में अपने इस सवार को गिरा दूँ, और अक्सर औकात वो गिरा देता है। खौतिनों ज़रा, ज़िंदगी भी तो एक ऐसी है ना कि नसीब जो है वो आपको ज़िंदगी के बैल पे, अड़ियल बैल पे, उसकी बागें भी नहीं आपके पास, आप अपनी मनमर्जी से उसको नहीं चला सकते, उसके ऊपर बिठा देता वो नसीब और उसके बाद बिलाखर वो बैल जो है आपको उतार के खाक में खाक कर देता है। वो जो कहा जाता है, गालिब ने इन्हें कहा था कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, शोहरत वफा कभी नहीं करती। मेरा जो महदूद तजर्बा है उसके मुताबिक शोहरत ऐसी महबूबा है जो हमेशा बेवफाई करती है और उसके बावजूद लोगों का ख्याल होता है कि ये आपसे वफा करेगी। क्वेटा में एक सेमिनार हो रहा, इंटरनेशनल सेमिनार है यूनिसेफ की जानिब से, बहुत से लोग इनवाइटेड हैं। कराची से सायरा काजमी आई हुई हैं, शायद राहत भी थे और भी स्टार्स आए हुए थे। तो सेमिनार का आगाज़ हुआ तो 11 बजे के करीब वो एक चाय की ब्रेक हुए तो हम सब बाहर आए बरामदे में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कोयटे के कॉलेज के लड़के लड़कियाँ बाकी लोग आए हुए थे सबसे मिलने के लिए, और वो ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और किताबों को साइन करवाना चाहते थे। तो मैं ऑटोग्राफ साइन कर रहा था तो मेरी निगाह उस क्राउड से ज़रा परे गई तो वहाँ एक स्टोन के साथ एक साहब खड़े हुए थे। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं फिर महव हो गया। लेकिन यकदम
मेरे दिमाग में आया कि भाई शनासा सी शक्ल लगती है। मैंने गौर से देखा तो वो फिल्म एक्टर हबीब थे, और वो बड़ी हसरत से उन लोगों की जानिब देख रहे थे जो वहाँ पे ऑटोग्राफ दे रहे थे, जिनकी लोग तस्वीरें ले रहे थे, और वो तन्हा खड़े थे, कोई भी उनके पास नहीं गया। और ये देखिए कि अपने अहद के बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत कामयाब एक्टर थे, बहुत सारी पंजाबी फिल्में उन्होंने की। देवदास में तो खैर वो क्लासिक उनका रोल था, हैदर अली, इसी तरह अनगिनत फिल्में हैं, जासूसी फिल्में भी उनमें शामिल हैं, और हर बच्चा बच्चा उनको जानता था। लेकिन उस लम्हे वो बंदा बिल्कुल तन्हा था, तो मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस हुई। तो मैंने एक खातून को कहा कि आप जानती हैं कि वो कौन है? तो उनका, जी नहीं हम नहीं जानते। तो मैंने बताया कि ये तो बहुत मारूफ हीरो हैं और बहुत इन्होंने फिल्मों में काम किया है और बहुत दुनिया इनको जानती थी, तो आप इनके ऑटोग्राफ ले लें। खातून ने बड़ी बेजारी से कहा कि अच्छा अगर आप कहते हैं। शोहरत जो थी वो बांध पड़ चुकी थी। अब आइए हम चलते हैं गुलबर्ग में, जे ब्लॉक में, और वहाँ से एक कोठी से एक जनाजा उठ रहा है, और मैं भी वहाँ पे शामिल हूँ क्योंकि मैं जे ब्लॉक में ही रहता था। और मैंने कभी उस शख्स को देखा नहीं था, यानी जाती ज़िंदगी में, लेकिन इसके बावजूद उसकी रुखसती का दुख मुझे बहुत था। वो जनाजा उठता है और जब हम कंधा देते हैं तो मालूम होता है कि वो चारपाई टेढ़ी है, नज़दीकी मस्जिद से लाई गई थी। तो उसमें जो है शख्स, बॉडी जो है वो ज़रा सी लुढ़क जाती थी, यानी कंधा देते हुए एहतियात करनी पड़ती थी। उसके नज़दीक ही जहाँ से वो जनाजा उठा, जे ब्लॉक का कब्रिस्तान है, वहाँ पे उसे दफन किया गया। और दफन किसको किया गया? वहीद मुराद को। वहीद मुराद, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में अगर किसी को रियल सुपरस्टार कहा जा सकता है तो वो था। उसके गाने की अदायगी जो है वो राजेश खन्ना जैसे लोग उसको कॉपी करते रहे, और आज भी अगर आप उनके गाने देखें, कोको कुरीना देख लें या अपना अकेले ना जाना देख लें, मतलब है कि आज तक कोई बंदा उनकी कॉपी नहीं कर सका। और एक मुझे ऐसे किस्सा याद आ गया, मुझे हॉलैंड में बुलाया गया, वहाँ पे एक फंक्शन था। तो वो फंक्शन के बाद मुख्तलिफ लोग आए मुझे मिलने, एक साहब आए, आके मुझे सलाम किया तो यूं करके खड़े हो। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने कि मुझे पहचाना नहीं। अब मैंने नहीं पहचाना उनको, तो साथ एक सैफी साहब थे, उनका तार साहब ये हॉलैंड के वहीद मुराद है। हुआ ये कि वो साहब आज से 20-25-30 साल पहले हॉलैंड चले गए, उन दिनों शोहरा था वहीद मुराद, और हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि वो उनकी तरह नज़र आए। तो वो जब वहाँ पे चले गए तो उसी तरह ही वो बाल बनाते थे, उसी अंदाज में बातें करते थे, और उसी स्टाइल में उठते और बैठते थे। ये उस शख्स की पॉपुलैरिटी का हाल था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि जवाल आना शुरू हो गया, और कहते हैं कि नदीम की आमद की वजह से हुआ। और ये भी कहते हैं कि मरी में कोई शूटिंग थी और उसमें नदीम थे हीरो और वहीद मुराद शायद साइड हीरो थे, तो किसी लॉन में बैठे हुए थे तो लड़कियों की एक बस आई भरी हुई, और वो चीखें मारती हूँ उनकी तरफ बढ़ी, एंड वहीद ने ये समझा कि मेरी तरफ आ रही हैं, और किसकी तरफ जा सकती हैं, लेकिन वो सब की सब नदीम की तरफ चले गए। इसका उन्हें कहते हैं, मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, कि बहुत गहरा रंज हुआ। उसके बाद उनका एक हादसा भी हुआ, और उसके गुलफाम शक्ल थी, और उस गुलफाम की शक्ल जो थी थोड़ी सी बिगड़ गई या उनको कोई चोटें आई, तो ही डिडंट वांट टू गो आउट, लोगों में नहीं जाना पसंद करते थे, क्योंकि जो शक्ल का मसला था या उम्र भी ज़्यादा हो गई, ऑलमोस्ट तन्हा थे। यानी जहाँ तक मुझे इल्म है कि उनके जनाजे में उनकी अहलिया भी शरीक नहीं हो सकी थी। चुनाचे अब उसी गुमनामी में वो जाहिर है कि कुछ सुकून और दवाइयाँ वगैरह भी खाते थे, वो रुखसत हो गए, और मैंने उनका जनाजा आपको बताया किस तरह उठा, और चंद लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे।
अब भी मैं जाता हूँ कभी कभार गुलबर्ग के जे ब्लॉक के कब्रिस्तान में, क्योंकि मेरे वालदैन और एक भाई वहाँ दफन है, और उसके कोने में वहीद मुराद की कब्र है, और मैं देखता हूँ कि उस पर फूल ज़रूर होते हैं दो तीन, लोग उनको भूले नहीं। गज़ब किया तेरे वादे पे इतबार किया, हमारे वादे पे इतबार कीजिए, हम वापस आएंगे।